السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. निकाह मेरी सुन्नत है, बस जो शख्स मेरी सुन्नत से राज किया वह मुझसे नहीं। बिरादरान इस्लाम, ये कौन नहीं जानता कि मजहब इस्लाम आला व अशरफ है। इसी मजहब के अंदर कमियां ज्यादती बदतरीन चीज है और इसी पर अमल करने वाले मखलूक के अंदर रुसो और बदनाम है। जरा गौर करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि बानिया सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बातों को अमली हाथ करके दिखला दिया और बतला दिया है। और कभी भी कोई ऐसे काम को ना क्या है जिसमें उम्मत के लिए परेशानी और दुश्वारी हो। अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी की नहायत सादगी के साथ सहाबाए कराम जमा हुए। आपने खुद से निकाह पाया और सामान जायज में चक्की और मशकीजा, एक तकिया जिसमें छाल भरी हुई थी और एक चादर देकर बेटी को रुख्सत कर दिया। आप जाते तो सारी चीजें दे सकते थे, मगर आपका मकसद यह था कि मेरी उम्मत पर हर तरह की सहूलत और आसानी हो। काश दौर हाजिर के मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाए। दौर हाजिर में बरहमन और राजपूतों के देखा देख फर्जंदान इस्लाम ने जिस दहेज का रिवाज दिया है उसकी मिसाल शरीयत में तलाश करना मुश्किल है। मुसलमानों ने अपने अमल से इस बात को साबित कर दिया है कि उन्हें उस्वाए रसूल से कोई गर्ज नहीं। अगर लड़के ने बीए और एमए कर लिया है तो मत पूछिए, उसकी मांग और बढ़ गई और जहेज की ज्यादती शुरू हो गई। मेरे भाइयों, सलामी में कम रुपए मिलने पर जमीन और आसमान एक करने वाले, मामूली सामान न मिलने पर लड़की के घर वालों को बदनाम जलील और रुसवा करने वाले जहेज जैसे मौलिक मर्ज में मुबतला है। अपने पास दौलत होते हुए लड़की वालों से नाजायज फायदा उठाने वालों शराफत और इंसानियत का सरेआम जनाजा निकालने वालों घबराओ नहीं, एक वक्त वो भी आएगा जब तुम्हारी जवानी का जोश सर्द पड़ जाएगा। वलवला जज्बात और गुरूर खाक में मिल जाएंगे, अपने लिए हुए पर नादम और पशिमान होंगे, मगर वक्त निकल जाने के बाद कुछ हासिल ना होगा। तुमने जैसा गंदा माहौल अपनी शादी में क्या था उसी माहौल का असर तुम उस वक्त महसूस करोगे जब तुम्हारी जवानी का जोश सद पड़ जाएगा। सारा जमाना तुम्हारा मुखालिफ हो जाएगा। इस वक्त हाथ मल्ले से कोई फायदा नहीं, तुमने ऐसी बुनियाद डाल दी के उसका असर तुम्हारी आने वाली नस्ल और औलाद पर असरअंदाज होगा। अगर तुमने कार हीर अंजाम दिया तो औलाद नेक होगी, और अगर तुमने जलालत और गुमराही में जिंदगी बसर की तो उसका असर तुम्हारी औलाद पर असर पड़ेगा। तौबा करो के हम अपनी शादी के मौके पर या रिश्तेदारों या अपने दोस्तों की शादियों के मौके पर एक सुन्नत नबी को जिंदा करेंगे, और अगर मुझको कोई चीज देंगे तो वापस कर दूंगा। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मेरे खुसर साहब कर्ज लेकर घर की जायदाद रहन रख कर या सूद जैसी लालच में गिरफ्तार होकर या बाप दादा की जमा की हुई चीजों को कोई में फरोख्त करके जहेज खरीदे। वमा अलैना इल्लल बलाग।